अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबरली आशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। जब भी हम वाइटनिंग की बात करते हैं तो चेहरे के ऊपर कोई क्रीम लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है या हाथों और पाँव के ऊपर, तो उस क्रीम के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको सेंसिटिव हिस्सों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। तो सेंसिटिव हिस्सों के लिए हम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल मुझे बार बार पूछा गया है। तो आपके पूछने के ऊपर जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये क्रीम मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज बेहतर लगी। इस क्रीम का नाम है वाइटनिंग क्रीम और नीचे क्लियरली मेंशन है फॉर सेंसिटिव एरियाज़। ठीक है, इस क्रीम के ऊपर लिखा गया है कोलेजन एंड मिल्क क्विक वाइटनिंग, मतलब आपको जल्दी से जल्दी वाइटनिंग चाहिए तो ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम को मंगवाने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप बाद में पूछते हैं कि भाई मंगवानी कैसे है, तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी नंबर आप सेव करें, उसके व्हाट्सअप पर रब्ता करें और इस क्रीम का नाम लिख के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना एड्रेस बताना है, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ये प्रोडक्ट आपको आपके घर पर मिल जाएगी। इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं तो मुझसे जो सवाल पूछे गए हैं इस क्रीम के बारे में या और भी प्रोडक्ट के बारे में, अगर उनके बारे में बात करते हैं तो ये क्रीम सबसे पहले जो सवाल इस क्रीम के ऊपर आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कहां कहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से हिस्सों के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीमेल्स जो हैं वो अक्सर अपने निपल्स की वाइटनिंग चाह रही होती हैं, तो निपल्स के ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अंडर आर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, कोहनी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, घुटनों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों और पाँव के ऊपर भी लगा सकते हैं डेफिनेटली, अपने बाजों के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर, अपनी गर्दन की पिछली साइड पर आप इसको लगा सकते हैं, मतलब कहीं भी आप अपनी जो बिल्कुल हसास स्किन है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट के ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी 3 से 4 दिन के बाद, और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह से रिजल्ट वो मिल जाएंगे। साइड इफेक्ट फ्री है बिल्कुल, क्योंकि ये सेंसिटिव हिस्सों के लिए बनाई गई है तो इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला गया जो आपकी स्किन को डैमेज कर सके। ठीक है, बाकी इसको मंगवाने का लिंक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है। लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपने जिस हिस्से के ऊपर इसको लगाना है, किसी भी हिस्से के ऊपर, उस हिस्से को आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई करना है, उसके बाद आपने इसकी हल्की सी अमाउंट लेनी है और मैं आपको लगा के ही दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इसको कैसे लगाना है। 50 ml की ट्यूब है, काफ़ी दिन चल जाएगी, थोड़ी सी आपने इसकी अमाउंट लेनी है। ठीक है, ये देखें, कहीं किसी भी हिस्से के ऊपर आपने लगाना है, सेम तरीका है, आपने सर्कुलर मोशन के ऊपर इसका मसाज करना है और जब तक ये जज्ब ना हो जाए आपने इसका हल्के हाथ से मसाज करते रहना है। और मसाज करके आप दिन में भी इसको लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। मसाज करके आपने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें और उसके बाद आप जो है वो अपने कपड़े वगैरह पहन सकते हैं, इसको छोड़ दें। दिन में भी, रात में भी आप दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर इसको 2 दफ़ा ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करके देखें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्मेल है इसकी और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम फीमेल्स के लिए स्पेशली कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे पास, उनके लिए उनके बारे में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट है, ये बहुत मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट हैं, वीडियो को लाजमी देखें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ में हमारे पास ये स्किन पॉलिश है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कोई अच्छी सी स्किन पॉलिश बता दें, तो ये मैंने ऑर्डर की है। इसके रिज़ल्ट आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे रिज़ल्ट आते हैं, आउट क्लास रिज़ल्ट हैं, कहाँ से मंगवानी है, सारा मेथड वगैरह इस्तेमाल करने का, वो सारा तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए उन प्रोडक्ट के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो भी मेरी मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।